हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें ताकि आप देख पाएं हमारे सारे वीडियो सबसे पहले। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार के 3 द्वीपों के नाम बदले जाएंगे। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर द्वीपों के नाम का ऐलान होगा। जिन द्वीपों के नाम बदले जाने हैं उनमें रॉस आइलैंड, नील आइलैंड और हैवलॉक आइलैंड शामिल हैं। इन्हें क्रमशः नेता सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप नाम दिया जाएगा। रविवार को मोदी पोर्ट ब्लेयर दौरे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद सरकार के गठन की घोषणा के 75वें साल पर तिरंगा फहराएंगे। पोर्ट ब्लेयर में इस मौके पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके साथ रहेंगे। गृह मंत्रालय के मुताबिक नाम बदले जाने की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। नेताजी बोस ने दूसरे विश्व युद्ध में जापानियों द्वारा इन द्वीपों पर कब्जा किए जाने के बाद यहां तिरंगा फहराया था। तब उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम बदलकर शहीद और स्वराज द्वीप करने का सुझाव दिया था। मार्च 2017 में बीजेपी नेता एलए गणेशन ने राज्यसभा में हैवलॉक आइलैंड का नाम बदलने की मांग की थी। गणेशन का तर्क था कि भारतीय देशभक्तों के खिलाफ 1857 का युद्ध लड़ने वाले के नाम पर भारतीय द्वीप का नाम होना शर्म की बात है। दरअसल हैवलॉक आइलैंड का नाम ब्रिटिश सेना के जनरल हेनरी हैवलॉक के नाम पर रखा गया था। यह अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका इस बारे में क्या विचार है, ये हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें जिससे हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा।